इंदौर में नगर निगम अफसर की पिटाई मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने पर जेल से रिहाई की खुशी पर बांटी गई मिठाई खाना एक थानेदार को महंगा पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने संयोगितागंज थाने के पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। इस बारे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन से पुलिस अधिकारी की शिकायत हुई। दिल्ली सरकार तंग गलियों में नालियों की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में तंग गलियां हैं जिनमें सफाई की बड़ी मशीनें नहीं घुस पाती, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने तंग गलियों में नालियों की सफाई के लिए छोटे रोबोट लाने का फैसला किया। इसके लिए केरल की रोबोट बनाने वाली एक कंपनी से दिल्ली सरकार की बात भी चल रही है। इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने फरवरी में नालियों की सफाई के लिए 200 मशीनें खरीदी थी। उत्तर प्रदेश के शाजापुर के कैंट इलाके में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेंदुआ पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहा है, जिसके कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक वीडियो में तेंदुआ सड़क पर बड़े आराम से घूमता दिखाई दिया और फिर सड़क किनारे लगी झाड़ियों में जाकर घुस गया, जबकि दूसरे वीडियो में तेंदुआ एक बाउंड्री वॉल के ऊपर बैठा दिखाई दिया। तेंदुआ राज ठाकरे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ईवीएम के मुद्दे पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक यूपी में अब कोई भी मंत्री एक ही निजी सचिव 5 साल से अधिक समय तक नहीं रख सकेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जेल से रिहाई की खुशी में मिठाई बांटने के आरोपी संयोगितागंज थाने के थानेदार सुबोध क्षत्रिय को लाइन हाजिर कर दिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मारकर घायल कर दिया। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने एक महिला को अपने पति की हत्या कर उसे घर में ही दफनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में एक मकान की रसोई में सांप के आ जाने से हड़कंप मच गया। यूपी के अलीगढ़ में कोर्ट ले जाते वक्त पत्नी की हत्या का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अर्जुन कपूर के साथ न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाकर लौटी मलाइका अरोड़ा ने योग की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वो योग की शुक्रगुजार हैं क्योंकि योग ने उनकी जिंदगी बदल दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को हथियार और गोमांस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद एक मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 लोग